डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब का ग्रैंड इनॉग्रेशन हो चुका है मालगत्ती रोड पर नियर एमएम गार्डन के पास। जी हाँ, डेक्कन ग्रुप हमेशा से अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। डेक्कन ग्रुप हमेशा से कुछ ना कुछ अलग और यूनिक करता है। फिलहाल डेक्कन ग्रुप ने अब एंट्री ले लिए हैं स्पोर्ट्स में भी। जी हाँ, स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने एक बेहतरीन सा क्रिकेट बॉक्स जहां पर आप फुटबॉल खेल सकते हैं और भी काफी सारे स्पोर्ट्स वहां पर आप खेल सकते हैं। साथ ही साथ इस क्रिकेट बॉक्स का इनॉग्रेशन किया है बिदर के एमएलए रहीम खान के हाथों, साथ ही साथ गुलबर्गा के यूथ लीडर फाजुल इस्लाम साहब और भी कई सारे कांग्रेस के पार्टी लीडर्स इस इनॉग्रेशन में मौजूद थे, जैसे मजहर अलम खान साहब जो कि कुडा के चेयरमैन हैं। इनके साथ साथ कई सारे लोग, बाबा नजर अहमद खान साहब और भी कई सारे डेलीगेट्स कॉरपोरेटर्स इस इवेंट में मौजूद थे। डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब में क्रिकेट बॉक्स के बाद आने वाले दिनों में कई सारे चीजें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एडअप होने वाले हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल है। कई सारी चीजें इस डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब में एडअप होने वाली है। याद रखिए, डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब का एड्रेस है मालगत्ती रोड नियर एमएम गार्डन के पास। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बुकिंग का नंबर है 9740694177 पर। आइए देखते हैं इस इनॉग्रेशन के शॉर्ट हाइलाइट्स। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मैं आज गुलबर्गे में डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब का एक शानदार उद्घाटन हुआ है उसके लिए भी आया था। फिर रोजेदारों का इफ्तार की भी बहुत बड़ी अच्छी सी यहाँ पे पार्टी हुई है और गुलबर्गे शहर के सभी रिप्यूटेड और यूथ नौजवान सभी समाज के लोग इस प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट हुए थे। और मेरे साथ हमारे बिदर के म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष मोहम्मद गौस और काउंसलर्स और यहाँ के कारपोरेटर, इस एरिया के हमारे भाई अली खान और एक भाई हमारे बिदर के अजीज खान, मजर भाई जीडीए के चेयरमैन और इस तरह से बहुत से वीआईपीस यहाँ पे इस क्लब के उद्घाटन में आए थे। और मेरे साथ हमारे बेटे इरशाद खान है और हमारे भांजे सोहेल खान, सलमान खान, हसन हुसैन शान, इस तरह से यंग यूथ पूरी टीम ये क्लब में आई है। और ये क्लब का मेन एम क्या है बोले तो नौजवानों को स्पोर्ट्स के डायरेक्शन पे लेके जाना है। दूसरे जो गलत काम है, जो गुटखा खा रहे, जो टाइम वेस्ट कर रहे, वैसे लोगों को और दूसरे चीज़ों में जो नौजवान जा रहे हैं आजकल, इसको छोड़ा के कोशिश ये होगी कि स्पोर्ट्स के तहत और अच्छे कामों में, बिजनेस में, सही दिशा में और अच्छी सी सर्विस, अभी तो शुरुआत है कि अच्छी से आगे फ्यूचर में अच्छी सी क्लब के थ्रू बहुत से अभी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व करके आगे सभी को इससे अच्छा फायदा पहुंचे और ये स्पोर्ट्स, ये कल्चर अच्छा डेवलपमेंट के लिए हमारी कोशिश है, तो हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। और यहाँ पे इलेक्शन, एमपी इलेक्शन भी चल रहे हैं गुलबर्गा, बीदर, पूरे कर्नाटक, पूरे हमारे देश में। और यहाँ से पूरी उम्मीद है, आशा है, कांग्रेस के कैंडिडेट आरके के नाम से बहुत फेमस है राधा कृष्णा साहब, प्रियंका खड़गे जी और हमारे खड़गे साहब भी और हमारे मैडम कमरुल इस्लाम के मिसेस, हमारे बहन
इस तरह से सभी लोग मिल के गुलबर्गा की सीट, बीदर की सीट और सभी सीट जिताने की कोशिश चल रही है, और मैं भी कई गुलबर्गे के कैनवेसिंग में आने वाला हूँ। थोड़ा रमजान है बोल के थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो हम यहाँ से जरूर उधर बीदर में हमारे सागर खंडरे बोल के ईश्वर खंडरे के बेटे ठहरे हैं, वो नौजवान है, तो सभी मिलके आप लोग ये रमजान के महीने में दुआ करिए कि पूरे देश में कांग्रेस आए और कर्नाटक में भी पूरे सीट कांग्रेस के जीते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज शहर गुलबर्गा में और एक जो है एक बेहतरीन स्पोर्ट्स क्लब खुला है, जिसका डक्कन स्पोर्ट्स क्लब के नाम से जो है ओपनिंग हुई है। मैं अपने दिल की गहराइयों से अली खान साहब और उनके पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूं। और यहां की आज जो खसूसियत है, इसमें जो है बॉक्स क्रिकेट है और कबड्डी ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है और स्नोकर है, और जो है कई वैरायटीज ऑफ स्पोर्ट्स हैं। मैं जो है गुलबर्गा के नौजवानों से अपील करता हूं कि ऐसे स्पोर्ट्स क्लब में जो है ज्वाइन कर अपना स्किल डेवलप करें, और खेल कूद आज के ज़माने में इतना ज़रूरी हो गया है कि लोग जो है बैठ कर जो है बीमारियों की तरफ, मोबाइल के तरफ जाकर जो है अपने सेहतों को ख़राब कर रहे हैं। ऐसे स्पोर्ट्स क्लब खुले हैं, इसमें ज्वाइन करिए, एडमिशन लीजिए और अपना स्किल बनाइए और इंशाल्लाह देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। मैं और एक बार आखिरी में अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनकी जो कोशिशें हैं, जो अब तक जो है एजुकेशन फील्ड में आप लोग जो है काम किए हैं, अभी जो है स्पोर्ट्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी बहुत आगे ले जाएंगे। खान साहब, बिस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मालगत्ती रोड पे डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब की इफ्तिताह है, जहाँ पे क्रिकेट बॉक्स की भी ओपनिंग है, स्नूकर क्लब भी अवेलेबल है, और मज़ीद स्विमिंग पूल और दूसरे भी खेल के जो है ना इंतज़ाम यहाँ पे रमज़ान के बाद जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। मैं इस मौके पर अली ख़ान साहब को, उनके फ़र्जंद को, उनके तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। गुलबर्गा में जो एक चलन चली है स्पोर्ट्स के और क्रिकेट बॉक्स की, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मोबाइल से या कोई दूसरी चीज़ में अपना वक्त बेकार करने से अच्छा है कि स्पोर्ट्स की तरफ आइए, सेहत भी बनाइए। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक हवा और बहुत अच्छा खुला माहौल यहाँ पे है, और जो लोग इसी मौके पर जो लोग 18 प्लस हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में अपने वोट का भी इस्तेमाल कीजिए, घरों से निकले और वोट डालिए। आज मालगत्ती गांव के करीब डेक्कन स्पोर्ट्स के नाम से एक बॉक्स क्रिकेट का इनॉग्रेशन हुआ है। जो इनॉग्रेट किए हैं वो अली खान साहब के जो बड़े फर्जंद हसन खान साहब हैं, उन्होंने इसको इन्होंने उसको बनवाया है। काफ़ी दिनों से उनकी जद्दोजहद थी
नौजवानों, वो खुद भी नौजवान हैं, नौजवानों के बीच में रहते हैं, तो नौजवानों के लिए एक स्पोर्ट्स हब बनाना चाह रहे थे वो, डक्कन स्पोर्ट्स हब। यहाँ क्रिकेट, जो बॉक्स क्रिकेट के अलावा दूसरे भी स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल और वॉलीबॉल, फुटबॉल का भी वहाँ इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो। उनकी यहाँ करीब आसपास में उन्हीं की ज़मीन है, तो मैं मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से अली खान साहब को, उनके अहले पूरे फर्जंद को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर से हसन खान साहब को, जो ये बेहतरीन काम स्टार्ट किए हैं। आजकल नौजवान जो गांजा, चरस और उसकी तरफ, जो मोबाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनको इधर डाइवर्ट करने के लिए जो स्टार्ट किए हैं उनके बेटे ने, उनको मैं दिल की गहराइयों से हसन खान साहब को फिर एक बार मैं मेरी जानिब से और मेरे तमाम कॉरपोरेटर दोस्तों की जानिब से मैं मुबारकबाद देता हूँ, और अली खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। उनका होनहार बेटा जो नौजवानों के बारे में इतना सोच रहा है, अली खान साहब हमेशा अपने बेटे को फ्री हैंड देना चाहिए, और जो भी बेटा करना की कोशिश कर रहा है उसमें साथ देना चाहिए, जैसा इसमें साथ दिए हैं। एक बार दोनों बाप बेटों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला अली खान साहब को, उनके बेटे को सेहत अता फरमाए, जिस मकसद से ये शुरू किए हैं वो मकसद को पूरा करे अल्लाह, और मैं उनके अहले, जो उनके पूरे बेटे हैं, उन तमाम लोगों को भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत से और उनको जिस मकसद से ये शुरू करे हैं उनके मकसद को कामयाब करे। आज मालगति क्रॉस पर MM गार्डन के पास डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब की इफ्तिदा हुई है। मैं हसन साहब को, अली खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि हसन साहब ने कहा, अभी तो टर्फ रेडी है क्रिकेट का, आगे भी फुटबॉल भी अवेलेबल होगा और स्नूकर भी आ रहा है और स्विमिंग पूल भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द रेडी हो जाएगा। तो मेरी आवाम से गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे आइए, पूरे यहाँ पर स्पोर्ट्स अवेलेबल है, आप आके यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जगह अच्छी खासी बड़ी जगह भी है। और खान साहब ने कहा आगे शूटिंग भी लाने का सोच रहे हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है गुलबर्गा वालों के लिए। तो मेरी आवाम से गुजारिश करता हूँ, एक बार आइए यहाँ पर, मैं फिर से अली खान साहब को, हसन साहब को, उनके अहले ख़ानदान को, उनके तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेक्कन टर्फ की, डेक्कन स्पोर्ट्स क्लब, डेक्कन बॉक्स, आगे डेक्कन स्विमिंग पूल भी रहेगा, आगे स्नोकर भी खुलेगा इंशाल्लाह, कैंटीन की फैसिलिटीज़ भी है इधर, पार्किंग भी है, और ग्रास क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड साइज़ भी स्टैंडर्ड है, सबसे अब तक की सबसे बड़ा है। अब आगे इधर टूर्नामेंट भी रखने वाला हूँ और प्राइस भी रीजनेबल है। इन फ्यूचर स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी, वॉलीबॉल, गार्डन, स्नूकर, ड्रेस नियर MM लेआउट, मालगत्ती रोड, तिम्मापुरी फंक्शन हॉल। भी तमाम जो गेस्ट आए थे, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।